नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। शिमला शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं, एप्पल सीजन के लिए पुलिस ने बनाई हाईवे पेट्रोलिंग टीमें। शिमला में सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ दी है। सेब सीजन के दौरान सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने नया प्लान तैयार किया है। इसे एप्पल ऑन व्हील नाम दिया गया है। पुलिस ने पहली बार सेब सीजन के लिए हाईवे पेट्रोलिंग टीमें बनाई हैं। पूरे जिला में ये टीमें रोजाना दिन व रात के समय पेट्रोलिंग करेगी। मौके पर ही किए जाएगा चालान। यदि कोई चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते पाया गया या फिर उसने अन्य तरह का नशा जिसमें सिंथेटिक ड्रग्स इत्यादि है तो उसका मौके पर ही चालान किया जाएगा। यही नहीं, उसका लाइसेंस भी पुलिस जब्त कर देगी। हर उपमंडल में डीएसपी स्तर के अधिकारी इसके मॉनिटरिंग करेंगे। हिमाचल बैंक खाते से आधार नहीं जोड़ने पर हिमाचल में 13,000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोकी। बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़ने पर हिमाचल प्रदेश के 13,091 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जारी होने पर रोक लग गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन विद्यार्थियों को फिलहाल वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति राशि देने से इनकार कर दिया है। अनुसूचित जाति के प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ पाने से विद्यार्थी वंचित रह सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पात्र विद्यार्थियों के आधार नंबर जल्द बैंक खातों से जुड़वाने के निर्देश जारी किए हैं। देहला में दुकान के शटर से टकराई बाइक चालक की मौत। ऊना नंगल रोड पर अनियंत्रित होकर एक बाइक दुकान के शटर के साथ जा टकराई, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान नितिन भट्टी निवासी शासन के रूप में हुई है। पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए सुखदर्शन निवासी महतपुर बस देहरा ने कहा कि देहला बाजार में एक दुकान चलाता है। शुक्रवार रात को वह अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था तो एक बाइक चालक तेज रफ्तार से आया और दुकान के शटर को टक्कर मार दी, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी अजित सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अगस्त के दूसरे हफ्ते में शुरू हो पाएंगी पीजी कक्षाएं, प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का नया शैक्षणिक सत्र इस बार करीब डेढ़ हफ्ते देरी से शुरू होगा। एचपीयू ने नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 5 अगस्त तक की समय सीमा तय की है। इसके बाद नए सत्र के प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं को शेड्यूल जारी होगा। ऐसे में अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में कक्षाएं शुरू हो सकती है। हालांकि इस बार एचपीयू ने पीजी प्रवेश प्रक्रिया को ध्यान में रख यूजी अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम बिना मेरिट ही समय पर घोषित कर दिया था। इसके चलते छात्र तय शेड्यूल के अनुसार पीजी कोर्स की काउंसलिंग में अपीयर हो सके। 31 जुलाई को वीवी के सभी विभागों में नॉन सब्सिडाइज्ड श्रेणी की सीटों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सीएम सुक्खू ने प्रदेश के पहले लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर की दी मंजूरी। आईजीएमसी में 15 अगस्त तक होगा शुरू। प्रदेश का पहला लेवल 1 यानी 1 ट्रॉमा सेंटर को आईजीएमसी में 15 अगस्त तक शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए उपकरणों को स्थापित करने के साथ ही जल्द ही स्टाफ को भी तैनात किया जाएगा। आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लॉक में इसे शुरू किया जाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ट्रॉमा सेंटर के लिए नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के 136 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।